दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए। इस समय की बड़ी खबर मिल रही है प्राची के लिए। जी हाँ, क्योंकि प्राची की लाइफ में अब फिर से एक नया भयंकाल आने वाला है, क्योंकि रिया और आलिया दोनों एक दूसरे के साथ देखकर सीधा सीधा प्राची और रणबीर का फिर से बुरा करती हुई नजर आने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों फाइनली हो चुकी है आलिया की एंट्री और आलिया गले लगाकर बोलती हुई नजर आने वाली है रिया से कि मैं बोलती थी ना तुझे कि प्राची के होते हुए ना तुझे कभी खुशी मिली थी और ना कभी तुझे खुशी मिलेंगी, क्योंकि रणबीर प्राची का था, प्राची का ही रहेगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही है कि जब पहले जा चुकी है प्राची रणबीर की लाइफ से और उन लोगों ने रिया को बुलाया था, तो रिया को लग रहा है कि मेरी बार बार बेइज्जती क्यों हो रही है। और वाकई में दोस्तों बात भी सही है, क्योंकि आज के समय में रिया सबसे ज़्यादा बेइंतहा प्यार करने लगी है आखिरकार रणबीर से। लेकिन दोस्तों रणबीर का पता नहीं चलता कि कभी तो वो प्राची से नफरत करने लगता है और कभी वो प्यार करने लगता है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नया रास्ता क्या निकाल पाता है रणबीर। मैं प्राची का बोलना ये है कि अगर हम अपनी बेटी खुशी के लिए दोनों एक दूसरे के साथ हो भी रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों अब खुशी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट्स आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इधर आलिया बनाएगी खुशी को फिर से गायब करने की योजना, क्योंकि आलिया का मानना बिल्कुल अलग है और आलिया ने बोल दिया है कि मैं फिर से आ चुकी हूँ अपनी रिया की लाइफ में और मैं रिया की लाइफ में आकर रिया को हर वो चीज़ हर वो सुख दूंगी जिस चीज़ को प्राची ने उसे वंचित रखा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक बार फिर से नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, जिसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू।